बेटा मैं थोड़ा वेट करता हूँ 2 मिनट्स, बिकॉज एक्चुअली कुछ ये जूम में अभी 2-3 दिन से कुछ इश्यू है कि वो ज्वाइनिंग करने में काफी टाइम लग जाता है, सो आई हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स। सर यस बोलो। सर पेज नंबर 103 में क्वेश्चन 7 में 18th वाला रह गया है। एक सेकंड, पेज नंबर कौन सा बेटा? 103। इसमें कौन सा बेटा? 103 पे कौन सा? सेवेंथ सेवेंथ क्वेश्चन कौन सा सेवंथ? कौन से क्वेश्चन का सेवंथ? सेवंथ सेवेंथ ही है, 103 पेज पे, सेवंथ का 18, ग्राउंड्स ये पे। 75 इक्वल हाँ रिसीवेबल। बेटा वो अभी नहीं करवाऊंगा, एक्चुअली ये जो रिसीवेबल है ना, दिस इज डिटेल कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए आई नीड टू एक्सप्लेन यू सेकेंड पार्ट, तो ये रहने दो अभी, चलेगा। एक्चुअली सर। दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड, मैं तो गलती से ऐसा एक ट्रांजेक्शन इसमें इंक्लूड हो गया है, एक्चुअली में तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं बट एक भी इंक्लूड नहीं किया अदर देन दिस ट्रांजेक्शन, द रीजन बीइंग बिकॉज ये कॉन्सेप्ट अभी आपको पता नहीं चलेगा, व्हाट इज दिस रिसीवेबल, सो लेट इट बी, अभी इसको रहने दो, इट्स ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके सो फाइनली अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ बेटा। अब सी दिस इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अब इसमें ना बहुत सारी चीजें ऐसे डिटेल में है बट हमको जस्ट उसका ओवरव्यू समझना है। ये चैप्टर में से आपको कोई डिटेल्ड आंसर नहीं आएगा, दो चीज आ सकती है एग्जाम में, एक तो एमसीक्यूज और वन लाइन क्वेश्चंस, तो ज्यादा डिटेल में आपको सीखना नहीं है। अब से मैं आपको टेक्स्ट बुक का ये पेज शेयर करके ही समझा देता हूँ, अगर आपके पास हाइलाइटर हो सो वो हाइलाइटर या तो अंडरलाइन करते जाना जितनी जितनी चीजें मैं बताऊं। देखो जैसे ये चीज को आपको हाईलाइट करना है, तो टू मीट इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड दिस टैक्सेस आर कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरीज, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये दो चीज आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब इसका जो नाम है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसी में उसका मीनिंग है। कैसे मैं समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कोई मुझे बताएगा बेटा ये इनकम टैक्स क्या होता है? सर इनकम पे टैक्स लगता है हमारे, तो ओके हमारे वेरी गुड, प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है वो। हाँ प्रॉफिट प्रॉफिट में पे जो सर टैक्स जो लगता है, या वेरी गुड। अब समझो सपोज मान लो मेरा बिजनेस है, अब सपोज मेरे बिजनेस में मुझे 1 साल का 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, और वो 5 लाख के प्रॉफिट पे सपोज मुझे 10% टैक्स पर पे करना है इनकम टैक्स, तो कितना होगा इनकम टैक्स बताओ? 50,000। 50,000 होगा, यस। अब ये 50,000 मैं खुद पे करूंगा गवर्नमेंट को, सेमी यस और नो, कि मेरे बिहाफ में कोई और यस पे करेगा? यस सर, आप पे सर आप करोगे। नहीं पे करूंगा, मतलब
आई विल डायरेक्टली पे माई टैक्स टू गवर्नमेंट. यस डायरेक्टली पे टू गवर्नमेंट. सो अगर ये टैक्स मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं तो ये टैक्स कौन सा हुआ? डायरेक्ट टैक्स. इज इट क्लियर? अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या था वो समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो आपने कोई कंप्यूटर परचेस किया. अब कंप्यूटर का सपोज प्राइस है 50,000 और उसके ऊपर 5% सेल्स टैक्स है. तो 50,000 का 5% सेल्स टैक्स बोलो कितना होगा? 2500 होगा. ये पता चला 50,000 2500. यस यस. अब मुझे ये समझाना, जब हम कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो कंप्यूटर वाले को ऐसा करेंगे कि भाई अब 2500 है ना ये तो टैक्स का है, तो एक काम करता हूं 50,000 में आपको दे देता हूं शॉप वाले को, और हम ऐसा बोलेंगे ये 2500 तो टैक्स है ना तो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को चुका दूंगा. ऐसा होता है कोई भी दुकान वाले का? नो सर ऐसा नहीं होता ना. कि यू कांट से शॉप ओनर के भैया ये 50,000 का आपका कंप्यूटर है ना तो 50,000 आपको दे देता हूँ, बाकी का ये 2500 तो टैक्स का है तो गवर्नमेंट को चुकाना है, मैं जाके चुका के आऊंगा तो आप चुकाने जाओगे? ऐसा होता है? नो. तो क्या होता है? सो शॉप वाला चुकाएगा. ओके तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2500 टैक्स है, जैसे हम अपने आप को मान ले सपोज कस्टमर, तो कस्टमर किसको चुकाएगा? रिटेलर को. रिटेलर मतलब जिसका दुकान है. और फिर ये रिटेलर जो शॉप ओनर है वो किसको चुकाएगा? गवर्नमेंट को. पता चला? यस सर. दैट मींस ये जो 2500 है वो हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं चुकाया, हमने दुकान वाले को चुकाया और दुकान वाले ने गवर्नमेंट को चुकाया. सो ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ. यस आंसर बेटा. इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जो चीज डायरेक्ट नहीं है. देखो इनकम टैक्स क्या होता है? हमारा टैक्स है और हम ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को चुकाते हैं तो वो डायरेक्ट टैक्स हुआ. और जो चीज डायरेक्ट नहीं होता कि हम किसी को चुकाते हैं और वो कोई और गवर्नमेंट को चुकाता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ. सो ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का. अब मैं आपको जो क्वेश्चन पूछू ना मुझे आंसर देना. ये जो जीएसटी होता है इज दिस डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स. यस जीएसटी इज वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. अब पहले क्या था, मैंने इससे पहले भी आपको समझाया कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे तो उसका कैलकुलेशन करने का बहुत सारा डिफिकल्ट प्रोसेस था, उसमें टाइम भी बहुत लगता था और बहुत कंफ्यूजिंग प्रोसेस था. सर्विसेज के लिए अलग सर्विस टैक्स था, गुड्स के लिए कस्टम ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस को गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया और मर्ज करके सिर्फ एक ही टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया और वो टैक्स का नाम क्या हुआ? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अब देखो ये टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है. इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. मैंने आपको इसे पहले भी समझाया था कि बहुत सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी और कोई कोई टैक्सेस कौन कलेक्ट करता था? स्टेट गवर्नमेंट. यहां पर लिस्ट लिया हुआ है. देखो ये जो पूरा लिस्ट है ना, आपको सिर्फ ये लिस्ट याद रखना है. सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, दिस ऑल टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अब ये टैक्स का मीनिंग क्या होता है तो उसके अंदर हमें नहीं जाना है. ये टैक्स का नाम है, दैट्स इट. और ये जो पूरा लिस्ट है, वैल्यू एडेड टैक्स, परचेस टैक्स, सेल्स टैक्स,
एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स कहाँ लगता है पता है, जैसे हम जब मूवीज देखने जाते हैं तो जैसे मान लो कि सपोज आपने मूवी का टिकट 150 रुपीस में परचेज किया तो 150 रुपीस पूरा वो थिएटर वाले को नहीं मिलता है, उसके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स पहले लगता था, अभी एंटरटेनमेंट टैक्स हट गया, उसकी जगह क्या आ गया, जीएसटी। अभी इनफैक्ट ये सब चीज हट गया और सबकी जगह क्या आ गया, जीएसटी। सो ऑल टैक्सेस वर रिमूव्ड एंड दे वर मर्ज्ड इनटू अ सिंगल टैक्स दैट इज कॉल्ड जीएसटी। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि हर एक चीज का अलग अलग टैक्स रेट है, कोई चीज पे 5% टैक्स लगता है, किसी पे 18% लगता है, किसी पे 23% लगता है। अब किस पे कितना टैक्स लगता है दैट इज ऑल्सो नॉट अवर पार्ट ऑफ सिलेबस, हमें तो सिर्फ ये याद रखना है कि ये सारे टैक्सेस हट गए, हमें वो भी याद रखना है कि इसमें से कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स थे और कौन से स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स। इज इट क्लियर टू ऑल, इसमें कोई डाउट बेटा यहाँ तक के एक्सप्लेनेशन में? नो सर। ओके सर, दूसरा ये मैं जितना भी आपको समझा रहा हूँ ना बेटा, आप इतना ये चीज भी हाईलाइट कर दो, है ना, ये देखो ये पूरा पोर्शन ये आपको पता होना चाहिए। ये जो नीचे का पोर्शन है वो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, मैं जस्ट आपको समझाता जाता हूं। अब ये सब जिसके ना फुल फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज कॉल्ड सीजीएसटी, जो हमें पता है सेंट्रल लिखा हुआ है, तो ये टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज द, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एसजीएसटी, और स्टेट लिखा हुआ है तो ये वाला टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। फिर ये है यूनियन टेरिटरीज, अब आपको पता है व्हाट इज यूनियन टेरिटरीज, तो जहां स्टेट नहीं है जो यूनियन टेरिटरी है, जैसे दीव दमन हुआ, पुंडिचेरी हुआ, फिर अपना चंडीगढ़ हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, तो ये सारी जगह पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, दीज ऑल आर यूनियन टेरिटरीज, तो वहां का जो जीएसटी का एक्ट है वो क्या है, यूटीजीएसटी, यूटी स्टैंड्स फॉर यूनियन टेरिटरीज, दैट्स इट। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कोई मुझे बताएगा बेटा, ये मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी। दूसरे स्टेट में सर इसका है तो सर उसको बोलते हैं, दूसरे अपने बेचा सर उसका दूसरे स्टेट में हो ना सर। एग्जैक्टली exactly. कोई अलग स्टेट में बेचेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन क्या होगा कि सपोज मान लो गुजरात से अगर आप महाराष्ट्र में गुड्स बेचो तो दोनों गवर्नमेंट आपस में लड़ेगी, गुजरात वाले बोलेंगे कि हम टैक्स कलेक्ट करें, महाराष्ट्र वाले बोलेंगे कि हम टैक्स कलेक्ट करें, तो दोनों गवर्नमेंट को हटा दिया और उसकी जगह एक इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया। इंटीग्रेटेड मतलब चीजों को जोड़ देने का, तो इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दो चीज होती है। इंटर मतलब क्या होता है कि विद इन द स्टेट, और इंट्रा मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसके लिए कौन सा टैक्स कलेक्ट होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर ये पांचवा है गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट। अब इसका मतलब क्या है वो भी मैं समझाता हूं, देखो ये सब चीज लिखा हुआ है, लिखो दिस फाइव एक्ट्स आर शोन फॉर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एंड नॉट एक्सपेक्टेड फॉर एग्जामिनेशन, जस्ट इसका नॉलेज होना चाहिए, याद नहीं रखना है। ये जो कंपनसेशन एक्ट है ना वो क्या है कि पहले स्टेट गवर्नमेंट अलग से टैक्स कलेक्ट करती थी, अभी क्या हो गया जीएसटी, बट उसकी वजह से काफी सारी गवर्नमेंट्स को टैक्स कम मिलता है, कि जब वो खुद कलेक्ट करते थे तो ज्यादा मिलता था, अब जीएसटी में कम टैक्स मिलता है, तो जितना उनको कम टैक्स मिलता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक एक्ट बनाया है। अब वो एक्ट में क्या है वो बहुत सारी चीजें डिटेल्ड है, हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें जस्ट ये याद रखना है, याद भी नहीं रखना इनफैक्ट जस्ट फॉर अवर नॉलेज। तो देखो ये सीधा सीधा मैं ऐसा है ना आपको बताऊं कि ये दिस ऑल हमारे नॉलेज के लिए, मैं जितना हाईलाइट करवा रहा हूं आप उतना याद रखो। फिर देखो मीनिंग एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ जीएसटी, वो भी मैं आपको पढ़ के समझा देता हूं, ये भी याद नहीं रखना है। देखो वन टैक्स, अब वन टैक्स बिकॉज पहले बहुत सारे टैक्स थे हट गया और एक ही टैक्स हो गया। टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई, टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई क्यों, मैंने पूरा चेन समझाया था आपको, जैसे अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो मैं टैक्स कलेक्ट कर लूंगा, मैंने किसी और को गुड्स बेचा और उसने आगे कहीं पर गुड्स बेचा तो वो उससे टैक्स कलेक्ट कर लेगा, तो हर एक जगह पर जो भी गुड्स सप्लाई करता जाएगा वो टैक्स कलेक्ट करता जाएगा,
और वो कलेक्ट करके किसको भेजेगा, आगे वाले को, और आगे वाला और आगे वाले को, और फाइनली वो टैक्स कहां पर चला जाएगा, गवर्नमेंट में, जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी का जो पूरा ये सिस्टम है या टैक्स का पूरा एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी रेट्स, वो काउंसिल वो जीएसटी रेट्स डिफाइन करती है। इंपोर्ट एंड जीएसटी, देखो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब मैंने आपको अभी भी समझाया कि इंटर स्टेट क्या होता है, कि जहां पर सीजीएसटी हो और एसजीएसटी हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है कि मैंने अगर गुड्स बेचे तो जब बेचूंगा तब मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा, और जब खरीदूंगा तब टैक्स पे करूंगा। तो बेचने के टाइम पर जो टैक्स हमें मिलता है उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस ऑल आपके नॉलेज के लिए है, या आपको एग्जाम में या एक्सरसाइज में भी कुछ भी नहीं है इससे रिलेटेड, ठीक है। अब बाकी सारी चीजें ना बेटा बहुत इररिलेवेंट, बिकॉज इसमें कोई कोई चीजें इतनी हाईफाई है ना कि अपना वाईफाई भी काम नहीं करेगा, तो ये सब चीज कैंसिल कर दो, कोई काम का नहीं है। नाइदर दिस, हाँ ये काम का है, ये देखो ये पूरा चार्ट। अब ये काम का इन द सेंस आपको ऑलरेडी पता ही है ये चीज। देखो सप्लाई विद इन द स्टेट उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, और सप्लाई आउट ऑफ द स्टेट उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, तो विद इन द स्टेट होगा तो बोलो कितने टैक्स हम अप्लाई करते हैं आंसर में। दो टैक्स, दो। तो देखो दो। लिखा सीजीएसटी एसजीएसटी और इंटर स्टेट दूसरे स्टेट में, तो एक ही टैक्स होता है। देखो ये लिखा हुआ है, क्लियर हुआ बेटा ये? यस सर। ओके, बस ये चार्ट याद रखो, बाकी ये सब चीज की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और ये एग्जांपल्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सो ये हमारे रिलेवेंट है ही नहीं जरा भी, ये भी कुछ काम का नहीं है। बस ये ऑलरेडी जो आगे लिखा हुआ है उसका सेम चीज नीचे कॉपी किया हुआ है। बेनिफिट भी ठीक है, इट्स नॉट ऑफ आवर इम्पोर्टेंस, मैं आपको जो समझाता हूँ। बट फिर ये जो है रेट ऑफ जीएसटी, अब ये अगेन फॉर हमारे नॉलेज के लिए, ये ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा कि स्केड्यूल वन का रेट क्या है और स्केड्यूल फोर का रेट क्या है। अलग अलग चीजों पे अलग अलग रेट अप्लाई होते हैं, तो ये लिखा हुआ है। अब स्केड्यूल वन, तो स्केड्यूल वन में 500 चीजें हैं, तो हमको थोड़ी वो याद रखने की कि वो 500 चीजें कौन सी है जिसपे 5% टैक्स लगता है। फिर स्केड्यूल टू में सपोज मान लो 5000 चीजें ऐसी है जिसपे 12% टैक्स लगता है। सो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स, दिस इज जस्ट फॉर अवर रेफरेंस फॉर अवर नॉलेज, दैट्स इट। फिर ये सब चीजें देखो टर्मिनोलॉजीज ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी के केस में परचेज और सेल्स को क्या बोलते हैं, सप्लाई। मतलब जीएसटी का कोई भी कैलकुलेशन होगा ना, वहां परचेज या सेल्स वर्ड यूज नहीं किया होगा, उसकी जगह कौन सा वर्ड यूज किया होगा, सप्लाई। फिर इनपुट सेंट्रल जीएसटी, तो ये राशि जीएसटी हमें पता है क्या है। इनपुट स्टेट जीएसटी एसजीएसटी हमें पता है क्या है। यूनियन टेरिटरी जीएसटी हमें पता है, आईजीएसटी वी नो। अभी देखो इनपुट कब यूज होता है और आउटपुट कब यूज होता है, आपको पता है कि नहीं पता है, आंसर में इनपुट कब लिखते हैं और आउटपुट कब पता है, पता है। इसलिए मैंने बेटा ये चैप्टर आपको पहले नहीं करवाया था, हमने ऑलरेडी एंट्री सीख ली, तो अभी ये सब चीजें दिमाग में जाएगी। अगर ये पहले करवाता ना तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये इनपुट आउटपुट क्या है। सो ये सब चीजें भी कुछ अपने काम की नहीं है, जस्ट सब चीज के शॉर्ट फॉर्म है एंड दैट वी ऑलरेडी नो। अब ये आ जाओ एक्सरसाइज पे, आपको एग्जाम के लिए सिर्फ ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन वन और टू करने हैं, ध्यान दो, आप खुद मुझे आंसर बताना। जीएसटी इंक्लूड्स डैश टैक्सेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बताओ इनडायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट, बोलो इनडायरेक्ट 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 टैक्स। अभी मैंने बताया ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया, और वो कौन सा हुआ, जीएसटी। Which of the following was the state government indirect tax prior to GST? तो देखो ऊपर पूरा लिस्ट है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैंने आपको हाईलाइट भी करवाया, देखो ये रहा।
ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के है और ये सारे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के। एक बार देख लो फिर अपने उसका एमसीक्यू का आंसर देखते हैं। देखो ये वाला लिस्ट है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का और ये वाला लिस्ट है पूरा स्टेट गवर्नमेंट का। अब वो एमसीक्यू पे जाते हैं। Which of the following was the state government indirect tax prior to GST? Value added tax. Very good. Which of the following was central government indirect tax prior to GST? Bolo. Service tax. Ek second na. Which of the following was central government indirect tax? Central government ka list bolo to beta textbook mein se dekhke. सर उसमें सर ये दोनों भी है सर, कस्टम ड्यूटी भी है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। अब इसमें है ना बेटा, लिसन लिसन, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। इसमें ऐसा होना चाहिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स प्रायर टू जीएसटी। अब आंसर दो मुझे क्या होगा। परचेस टैक्स। परचेस टैक्स। तो बेटा ये टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर दो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज बाकी के तीन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही है। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ये सेंट्रल को हटा के, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आएगा परचेस टैक्स। सो आप करेक्शन कर दो, या तो वॉज नॉट कर दो या सेंट्रल को हटा के स्टेट कर दो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इज 2017। अब ये लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। यस, Which of the following is correct for supply within the state? बोलो within the state एक tax होता है कि दो tax? दो tax। कौन से दो tax? A आएगा। C आएगा। A। नहीं 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 आएगा बेटा, A आएगा, A। CGST और SGST। ये तो IGST बेटा, C नहीं आएगा, A आएगा। पता चला ना ए क्यू आएगा, ये यूटी कब आता है, अगर स्टेट नहीं है तो यूनियन टेरिटरीज। फिर सिक्स्थ, व्हिच टैक्स इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट? बोलो बी आईजीएसटी। आईजीएसटी। बी आईजी। यस यस। अब लिसन, ये सिक्स एमसीक्यूज और बाकी के ये जो क्वेश्चंस है ना 1-13, ये मुझे आपको लिखवाने पड़ेंगे। अब ऑलरेडी इट्स 11:08 टुडे, तो मैं कल आपको ये सारे आंसर्स लिखवा दूंगा। वैसे है बहुत इजी, बट मैं आपको सारे लिखवा ही दूंगा, ठीक है? ओके सर। और बेटा दिस संडे अकाउंटेंसी का टेस्ट है, चैप्टर 4 जर्नल एंट्रीज, और आपका टेस्ट संडे होगा, फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे मैं स्पेशल डाउट सॉल्विंग के सेशन रखूंगा, जिसमें हम और कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। जर्नल एंट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए ही मैं सेशन रखूंगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो फाइनली आई एम टेकिंग योर लीव, बस आज, और वो आंसर्स में कल लिखवा दूंगा।